दोस्तों, क्या आप लोगों को 2025 में एप्पल का मैकबुक एयर M1 चिप लेनी चाहिए, वो भी तब जब मार्केट के अंदर मैकबुक एयर M4 चिप वाला ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसके अंदर आपको 1 लाख रुपीस में M4 चिप और आपको 16 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज है। क्योंकि एयर M1 देखा तो लोएस्ट से लोएस्ट जाते जाते मैंने 55,000 के अराउंड यहाँ पर देखा है, और इवन कुछ लोग इसे 60,000 में भी लेना पसंद कर देते हैं, और मार्केट में सेकेंड हैंड और रिफर्बिश्ड मॉडल्स भी बहुत सारे। तो एयर M1 किन लोगों के लिए, किन लोगों को लेना चाहिए और किन लोगों से दूर रहना चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। कुछ अल्टरनेटिव लैपटॉप भी मैं यहाँ पे सजेस्ट कर दूंगा आप लोगों को। सबसे पहले तो मैकबुक एयर M1 2020 में लॉन्च होता है और 2025 में भी आज भी देखा जाए तो काफी ज्यादा रफ एंड टफ मशीन है। यानी कि 5 साल बाद भी अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो देखो, बिल्ड वाइज तो वो आज भी एल्यूमिनियम के डिजाइन पर है और थोड़ा सा जो पुराने मॉडल्स रहते हैं वैसा लुक एंड फील है, लेकिन फिर भी रफ एंड टफ है। फैनलेस डिजाइन आपको देखने को मिलता है और आपको M1 चिप पे आज के समय भी कई सारे प्रोसेसर से ज्यादा फास्ट और आपके जितने भी लाइटवेट टास्क होते हैं, चाहे डॉक्यूमेंट एडिटिंग हो गया, ब्राउजिंग हो गया, वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस हो गया, लाइटवेट क्रिएटिव टास्क है वो कर सकता है। हालांकि जो बेस मॉडल M1 चिप आती है उसके साथ कुछ लिमिटेशन है। पहली लिमिटेशन तो 8 GB रैम की है, क्योंकि अब एप्पल को भी रियलाइज हो गया कि 8 GB रैम से काम नहीं बनने वाला 2025 के बाद, और 2025 में आपको 16 GB रैम तो लगेगी। हालांकि मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 8 GB रैम आज भी सफिशिएंट है बहुत सारे टास्क के लिए, और मेजर अगर आप हैवी मल्टीटास्किंग नहीं करते, हैवी वर्कलोड नहीं है, तो आज भी 8 GB रैम पे काम चला सकते हैं, उसमें ऐसी बेसिक टास्क करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि जो प्रॉब्लम मेरे को लगता है जो आ सकती है, वो आ सकती है 256 GB के SSD के साथ, और एप्पल के साथ एक प्रॉब्लम मैंने देखी है कि एप्पल वाले हर स्टोरेज मॉडल के लिए बहुत ज्यादा पैसा चार्ज करते हैं। तो एक सिंपल सा सजेशन ये कि आजकल मार्केट में एक्सटर्नल SSDs बहुत सस्ती हो गई है, और जब कोई सेल आती है फ्लिपकार्ट या अमेजन पे तो उनमें और डिस्काउंट वगैरह आ जाता है। तो सजेशन ये रहेगा कि सस्ती SSD ले लो 512 GB 1 TB तक की, आगे फ्यूचर में अगर आपको स्टोरेज एक्सपेंशन की नीड है। इसके अलावा एक सबसे बड़ा सवाल है कि M1 चिप क्या अपने एंड ऑफ लाइफ साइकिल पर आ गई है, क्या इसको आने वाले समय में अपडेट मिलेंगे। देखो, ऑफिशियली एप्पल ने नहीं बोला है, लेकिन कुछ अजम्पशंस मैंने लिए, मेरे हिसाब से 2027 से 2028 तक तो उसे अपडेट मिलेगा। यानी कि 1-2 साल के लिए तो मिनिमम आप लोग टेंशन फ्री हो जाए कि 1-2 साल तो आपके निकाल लेगा। और हाँ, अगर आप इसमें अपडेट मिलना आगे चल के बंद होता है तो उसका मतलब ये नहीं रहेगा कि आपका लैपटॉप टोटली यूजलेस हो जाएगा। आप पुराने macOS के वर्जन पे कुछ और टाइम तक इसको और रन कर सकते हो। यानी कि अगर macOS पे अगर आने वाले समय में अगर इसके अपडेट्स बंद हो जाते तब भी 1-2 साल तक आप इसे और चला सकते हो, अगर बिल्कुल ही टाइट बजट में हो तो। एल्स एक सिंपल सा सजेशन ये रहेगा कि अगर आप 2025 में से लेने का सोच रहे हो तो M2 और M3 MacBook के ऊपर भी एक बार नजर डाल दो, वो ज्यादा पावरफुल है और उसमें ज्यादा लंबा अपडेट मिल सकता है, ये बात रहेगी। क्योंकि यहाँ पे एप्पल ने बहुत ज्यादा अपडेट्स के अंदर इतने ज्यादा चेंजेस नहीं करे, लेकिन लॉन्जिटिविटी जो रहती है ना सॉफ्टवेयर की, वो नई चिप्स में थोड़ी ज्यादा है। इसके साथ ही हाँ, इसका वाईफाई का मॉड्यूल थोड़ा मेरे को पुराना लगता है और वेबकैम भी 720p है, तो हाँ ये कुछ कमियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन किसी को अगर एक एंट्री लेवल मैकबुक अगर लेना है तो उसके लिए सही है। हालांकि कोई अगर थोड़ा बजट एक्सपेंड कर सकता है तो 16 GB रैम के साथ M2 या M3 वाले मैकबुक को भी देख सकता है, जहां पे वो मल्टीटास्किंग और हैवी टास्किंग भी कर सकता है। क्योंकि 16 GB रैम से ही अगर आपको 4K में वीडियो एडिटिंग करनी है, वो चीज भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। इसके अलावा macOS के अंदर आज के समय में सॉफ्टवेयर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो एक टाइम पे शुरुआत में एप्पल सिलिकॉन के साथ थी, आज भी बहुत अच्छे तरीके से जो पुराने सॉफ्टवेयर है वो भी चलते हैं और जो नए सॉफ्टवेयर है वो भी चलते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पे एप्पल मैक के सॉफ्टवेयर क्या आपके कंजम्पशन के लिए है कि नहीं, क्योंकि हो सकता है आपको कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर यूज करना हो, वो सिर्फ विंडोज पे अवेलेबल है और वो macOS में उसका वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो दिक्कत वाली बात हो सकती है। और ऐसे कई सारे लोग सॉफ्टवेयर होते हैं ऐसे। तो हाँ, अगर आप एक लैपटॉप लेने का सोच रहे हो, macOS और विंडोज में थोड़ा कंफ्यूजन है, तो अपने सॉफ्टवेयर पे ध्यान डालिए कि आपको क्या चीजों पे काम करना है। अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, टैली करना है, ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो यहाँ पे सिर्फ विंडोज के लिए, तो आप प्रॉपर विंडोज लैपटॉप के ऊपर ही देखिए, macOS पे आने की जरूरत नहीं है। और macOS के ऊपर जो फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं, कई सारे पेड सॉफ्टवेयर ही होते हैं, तो ये भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है अगर आप एक मैकबुक लेने का सोच रहे हो। हालांकि बजट लैपटॉप चाहिए और किसी स्टूडेंट को चाहिए तो उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट डील मैकबुक इसलिए होता है क्योंकि फास्ट रहेगा, बेसिक टास्क को अच्छे से कर लेगा, लेकिन इसके साथ ही लाइटवेट और बैटरी लाइफ है। आज भी मेजॉरिटी विंडोज लैपटॉप से ज्यादा बेटर बैटरी लाइफ निकाल सकता है, 12 से 15 घंटे मैंने देखा लोगों मैकबुक एयर M1 पे निकालते हुए, ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है। 50,000 के लैपटॉप 60,000 के लैपटॉप ही निकाल ही नहीं सकते विंडोज के अंदर, ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ इसकी ड्यूरेबिलिटी और बिल्ड बहुत अच्छी है आज भी, क्योंकि एप्पल के साथ एक ऐसा देखा कि रफ एंड टफ है, यानी कि अगर आपका मैकबुक गिर भी गया तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि डिस्प्ले में
डैमेज हो जाएगा, बॉडी टूट जाएगी, नहीं। विंडोज लैपटॉप में प्लास्टिक बहुत यूज की जाती है और वो आसानी से ब्रेक और टूट जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं मैकबुक के हिंज के बारे में बात करूँ या बाकी चीजों के बारे में बात करूँ तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। इवन देखा तो इसके स्पीकर्स की क्वालिटी भी डिसेंट है और माइक्रोफोन की क्वालिटी भी डिसेंट है। और इवन M1 मैकबुक के अंदर आप यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस, जो अगर आने वाले फ्यूचर में और एडवांस अगर होगी तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो एप्पल के M1 मैकबुक कर रहा है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम बताऊं यहाँ पर क्या है, आज देखा तो विंडोज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है जो थोड़े से एक्सपेंसिव साइड में लेकिन है अच्छे। पहला तो इंटेल की अल्ट्रा कोर लाइनअप वो आ गई है, आप विंडोज का को पायलट प्लस यूज कर सकते हो, आप AI रियल टाइम में यूज कर सकते हो, आप कई सारे ऐसे फीचर यूज कर सकते हो जो फ्यूचर में एप्पल देगा लेकिन पहली विंडोज में। यहाँ तक कि ऑलरेडी बेटर बैटरी लाइफ के लिए विंडोज के लिए स्नैपड्रैगन X प्लेटफॉर्म आ चुका है, जो स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर है, जिसके अंदर 65,000 के लैपटॉप में भी आपको मैकबुक जैसी बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगी। तो हाँ, ऐसे बहुत सारी चीजें। इसके साथ ही एक डिसएडवांटेज यहाँ पे macOS या मैकबुक के साथ इधर ये है कि वहां पे आपको कोई भी टच स्क्रीन देखने को नहीं मिलता। तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट है टच स्क्रीन लैपटॉप या डिजाइनिंग वाले फील्ड में अगर टच को यूज करना है तो वो एक काम कर सकते हैं। इसके साथ मैकबुक एयर M1 के साथ बेस मॉडल के साथ एक छोटी प्रॉब्लम है कि इसका चार्जर की वोल्टेज थोड़ी कम है, तो चार्जिंग होने में थोड़ा टाइम यहाँ पे लगा सकता है, लेकिन बदले में आपको बैटरी लाइफ अच्छी दे रहा है। तो देखा जाए तो 2025 मेरे को लगता है कि एक आखिरी ईयर है जिसके अंदर आप मैकबुक एयर M1 को कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि एयर M1 के बाद जो दूसरे मॉडल्स आएंगे वो मेरे को थोड़े ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं। और अगर आपका बजट बिल्कुल भी अलाउ नहीं करता M2 M3 पर जाने के लिए तो ही आप M1 पे लीजिए और 27-28 तक ही चलेगा, इससे ज्यादा लंबा नहीं चलने वाला। इसके बाद मेरे को लगता है कि एप्पल वाले यहाँ पे M2 M3 के अंदर भी बहुत तगड़ा डिस्काउंट यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में प्रोवाइड कर सकते हैं। और हाँ, 1,00,000 रुपए का जो बेस मॉडल M4 मैकबुक एयर निकाला है ना रिसेंट लॉन्च, वो मेरे को सही लगा कि 16 GB रैम भी मिल गई, 256 GB SSD है, 1,00,000 रुपए में आपका लैपटॉप आ गया, वो लीजिए। और अगर आपको जरूरत है तो 1 TB की बाद में एक SSD लगा लेना, आप सॉर्टेड रहोगे। और हाँ, कोई ज्यादा फालतू खर्चा करने की जरूरत नहीं है, मैकबुक जो रहते हैं बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ और ड्यूरेबल है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो एप्पल केयर प्लस पे अगर आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, लेकिन मैंने भी ली थी अपने एक मैकबुक के साथ, लेकिन मेरे को ऐसा कोई उसके अंदर खास ऐसा बेनिफिट मेरे को लगा नहीं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग रिस्क फ्री रहना चाहते तो वो एक कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों यार, ये कुछ कहानी होती है एप्पल के मैकबुक एयर M1 की। मैंने आपको कई सारे केसेस बता दिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मैकबुक एयर M1 लेना है कि फ्यूचर में M2 M3 पे जाना है या फिर लेटेस्ट M4 लेना है या फिर एक बार इंटेल के अल्ट्रा कोर सीरीज को भी कंसिडर कर सकते हो। विंडोज के अंदर भी काफी अच्छे अच्छे ऑप्शन आज के समय में अवेलेबल है। और हाँ, मैकबुक लेने वाले पहले ही समझ जाए कि यहाँ पे गेमिंग नहीं हो सकती है, गेमिंग के लिए मैकबुक एयर M1 नहीं है। 60-65,000 में बहुत ही अच्छे गेमिंग लैपटॉप्स आते हैं, वो ले लो, आप उसमें बहुत अच्छी गेमिंग कर लोगे, RTX का ग्राफिक कार्ड भी मिल जाएगा, लेकिन मैकबुक एयर M1 में नहीं कर पाओगे। तो यार, ये भी बात है। तो दोस्तों, ये कुछ कहानी होती है एप्पल के मैकबुक एयर M1 की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक मैं वीडियो के अंदर टैग कर दूंगा, तो आप यहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू अपने रहने के लिए, मैं आप सुनता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।